सिंगरौली में एक हादसा हो गया जहां एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में करीब एक दर्जन लोग घायल हो गए, वहीं 7 लोगों की हालत गंभीर है। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। सतना से बैड़न आने वाली बस तेज रफ्तार के कारण अनियंत्रित होकर पलट गई। बस विजय ट्रेवल्स की बताई जा रही है, जो यात्रियों को बैड़न सिंगरौली लेकर जा रही थी, जो बरगावा थाना क्षेत्र के पास पलट गई। इस हादसे में लगभग 12 यात्री घायल हैं और 7 की हालत नाजुक है, जिन्हें इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। हादसे की खबर लगते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। बताया जा रहा है कि नेशनल हाईवे सड़क ना होने की वजह से आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं। अपना से आ रहे थे साहब हम लोग, मैं बहन जा रहा था प्राइवेट जॉब में, तो रात में हो गया, हम लोग स्लीपर थे, स्लीपर में सो रहे थे। इसके बाद हम लोग सर हो गया, यहाँ मोड़ में आई है, तेज रही होगी बस, हम लोग सो रहे थे, पलटी हल्की, तब हमको महसूस हुआ है, हमको तो लगा सर कि घाटी में चली गई। इसके बाद लेने ये लगा रुक गई बस, तो कम से कम ये बचा कि रुक गई बस। शीशा तोड़ के निकले बाहर और चोटे नीचे वालों को ज्यादा चोटें आई होंगी। हम वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।